बाबूजी, मैं राधे जाट। हम लोग जो है पूरे प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी आपके गांव में चर्चा निकली थी कि पटवारी की भर्ती निकली थी, लेकिन पटवारी का भी पेपर बिक गया और आज जो है 14 लाख परिवार ने एग्ज़ाम दिया था, 14 लाख बच्चों ने, लेकिन वो पटवारी की भर्तियों में भी फर्जीवाड़ा और पेपर बिक गया। तो हम लोग जो जा रहे हैं इस बार, जो हम चाह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो वो बेरोजगारी पर हो, स्वास्थ्य पे हो और शिक्षा पर हो। अगर देखिए बेरोजगार मध्य प्रदेश ग्रामीण युवा रहेगा तो कभी भी ग्रामीण विकास, ग्रामीण जो क्षेत्र है वो विकास नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो लड़ाई लड़ी जाए और जो आप वोट दें ग्रामीण भी, या हम लोग चाहते हैं कि युवाओं के उस पर वोट दिए जाए और बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीन चार चीज़ों पर दे, और जो सरकार पेपर भेज दे उसको वोट ना दे, यही हम लोग शपथ ले रहे हैं और हर जगह जाने का हमारा उद्देश्य ही है। क्योंकि देखिए अब हम लोग हताश हो चुका, आज की युवा पीढ़ी आप देखिए आजकल सुसाइड करने लग गए हैं। आपने देखा क्यों कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही है। मैंने ऐसे हज़ारों युवाओं से बात की है और ऐसे हज़ारों पीड़ित युवाओं को देख रहा हूं जो इसी के कारण दंश झेल रहे हैं। तो आपसे भी मैं ग्रामीण, आपके सभी जितने भी हैं आप बुजुर्ग, आप सारे मेरे जो भी हैं, उनसे मैं यही चाहता हूं कि निवेदन ये कर रहा हूं कि जब आप वोट देने जाए तो ये ध्यान रखना कि आपके बच्चे को रोज़गार मिला या नहीं मिला। और अगर आज आपके गांव में 40 बच्चे बेरोजगार हैं तो ये किसकी वजह से। देखिए आपके बच्चों के पढ़ने में कमी नहीं थी, वो तीन तीन साल से तैयारी थे, 70-80% वाले बच्चे थे। कमी किस में है? सरकार में, जो रोज़गार नहीं दे पा रही। अरे आप सरकारी नहीं दे, प्राइवेट तो खोल देते। आज उद्योग की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर हाटिपलिया में उद्योग क्षेत्र घोषित कर दिया, कितने उद्योग आए हुए, कितना रोजगार है। आज अगर हाटपिपलिया में 8-10 हज़ार की नौकरी में मेरा आज खर्च नहीं निकल रहा घर का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो मध्य प्रदेश में जो है बेरोजगारी के मुद्दे पे ही हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग भी लगेगा और आप भी बेरोजगारी के मुद्दे पे ही इस बार वोट दें। किसी की बातों में मत आए, क्योंकि रोजगार घर में आएगा तभी हमारी रोजी रोटी चलेगी और हम विकास कर सकते। हमको कोई दूसरा व्यक्ति आके खाना नहीं देगा, हमको हमारे घर में विकास होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस बार बेरोजगारी को मुद्दा बनाओ, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन मुद्दों पर होना चाहिए, तभी हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल हो सकता है।